राजद ने इस फैसले पर कहा है कि नाइट कर्फ्यू का बिहार में कोई लाभ ही नहीं होगा। नीतीश कुमार का यह फैसला कतई सही नहीं। कोरोना का संक्रमण दर घटता जा रहा है, लेकिन अभी भी एहतियात के तौर पर सतर्कता और सावधानी जरूरी है। बिहार सरकार ने आज फैसला लिया है, चौथे लॉकडाउन की समय सीमा आज पूरा हो रहा है। इसके बाद कल से अनलॉक हो जाएगा। कुछ प्रतिबंधों के साथ बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, यानी अब बिहार अनलॉक की ओर बढ़ा है। लेकिन नाइट कर्फ्यू बिहार जैसे राज्य के लिए समझ से परे है। विपक्षी दलों से भी सरकार ने कोई राय नहीं मांगी थी। नेता प्रतिपक्ष ने जिस समय राय दिया था, सरकार ने तो एक भी सुझाव सलाह नहीं मानी। अब सरकार किस विशेषज्ञ की राय लेकर के ये फैसला कर रहा है? कोरोना का संक्रमण दर घटता जा और मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति जुड़ चुके हैं। शक्ति, बिहार में अब लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। जी कृति, आपको बता दें कि बिहार में जो है अब लॉकडाउन जो है वो खत्म हो गया है, और आज ये लॉकडाउन के आज लास्ट अंतिम दिन है, और कल से जो है बिहार में जो है वो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ कई ऐसे दिशा निर्देश भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि सुबह जो है वो 7 बजे से शाम के 5 बजे तक जो है वो बिहार में सारी तरह की जो दुकानें होंगी, सारे प्रतिष्ठान है जो है वो खुले रहेंगे, और लेकिन रात में 7 बजे से लेकर सुबह 6-5 बजे तक जो है वो रात्रि कर्फ्यू भी जो है बिहार में कल से लागू हो जाएगा। लेकिन शक्ति, क्या वाकई में बिहार में अब कोरोना जो है वो कंट्रोल में है? क्या नाइट कर्फ्यू से स्थिति संभल जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से जिस लॉकडाउन के बाद जो है बिहार में संक्रमण के आंकड़े थे वो लगातार कम होते जा रहे थे, और कल की अगर हम बात करें तो कल भी करीब 1000 के आसपास जो आंकड़े थे नए मिले थे। उसके बाद जो है लगातार जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही थी। सीएम नीतीश कुमार जो है लगातार जिले अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि बिहार में जो लॉकडाउन है उसको अब खत्म कर दिया जाए, और कई ऐसे लेकिन जो है वो सख्तियां हैं अभी भी जो है वो राज्य में लागू रहेंगी। आपको बता दें कि जो शैक्षणिक प्रतिष्ठान है वो जो है फिलहाल नहीं खोले जाएंगे, और रात्रि कर्फ्यू जो होगा उसमें लोग जो है वो निजी वाहन के द्वारा ही अब। लेकिन ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की बात कही गई है शक्ति। निश्चित रूप से जिस तरह से आप देखें कि लगातार पिछले साल से जब से कोरोना हुआ तब से लेकर अब तक जो है वो खासकर एक ये जो शैक्षणिक कार्य है, स्कूल कॉलेज है, वो प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों, सरकार जो है वो बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो स्कूल तो फिलहाल नहीं खोल रही है, लेकिन ऑनलाइन जो क्लासेस होंगे उसकी परमिशन जो है वो बिहार सरकार के द्वारा दे दी गई है। साथ ही साथ अब जो निजी जो कार्यालय होंगे वो भी जो है अब खुल पाएंगे, और इसमें जो है 50% उपस्थिति के साथ जो है वो सरकारी और निजी दोनों कार्यालय जो है शाम के 4 बजे तक जो है अब खुले रहेंगे। निजी वाहनों को अनुमति दी गई है, लेकिन क्या जो लोग बिहार के अंदर प्रवेश करेंगे बाहर से या बिहार से बाहर जाएंगे उनके लिए क्या नीति बनाई गई है, क्या प्रोटोकॉल है? इसपे जो लॉकडाउन लगा था उससे पिछले बार से लगातार जो है इस तरह पिछले लॉकडाउन की तरह इस बार का लॉकडाउन नहीं था, और जो लॉकडाउन के अंदर भी जो है जो लोग बिहार से बाहर आना चाह रहे थे या बिहार से जो लोग जाना चाह रहे थे उनके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। मोकामा में कोरोना वैक्सीन को देश भर में फ्री करने और साथ ही दीपावली तक 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर बिहार बीजेपी ने हार्दिक बधाई दी है, और देश की जनता की जान और पेट से खिलवाड़ करने वाली सियासी पार्टियों को आड़े हाथों भी लिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा है कि इस वैश्विक महामारी में देश के पीएम ने देशवासियों के लिए 21 जून से वैक्सीन फ्री करने और गरीबों को अनाज देने का बड़ा कल्याणकारी निर्णय लिया है। गलत वक्तव्य देकर उनके जान से खिलवाड़ करने का